पिछले 3 से 4 दिनों से लगातार देखने को मिल रहा है देश की राजधानी दिल्ली की सड़कें पूरी तरह से जलमग्न हो चुकी हैं। इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह हरियाणा के हथनी कुंड बैराज से जिस तरह से पानी छोड़ा जा रहा है और उसके बाद आधी से ज़्यादा दिल्ली डूब चुकी है। इस वक्त हम दिल्ली की यमुना नदी के पुल पर खड़े हैं, लेकिन आज थोड़ा सा बदलाव देखने को मिल रहा है। कल देखने को मिला था, कल हम यहीं से रिपोर्टिंग जब कर रहे थे तो हमने देखा था कि जो पिलर आपको दिख रहे हैं नदी के बीचों बीच, वो पिलर पूरी तरह से डूब चुके थे, बस उनका कुछ हिस्सा दिख रहा था। लेकिन आज पानी काफ़ी नीचे आ चुका है। देखिए, जो जहाँ पिलर पर आपको गीला दिख रहा होगा वहाँ तक पानी पहुँच चुका था, लेकिन अब पानी नीचे आ चुका है, यानी कि जलस्तर अब घट रहा है। दिल्ली की सड़कें जो कभी सरपट गाड़ियाँ दौड़ा करती थी, कश्मीरी गेट, लाल किला, सिविल लाइन्स, इन सब जगहों पर, वहाँ कल देखने को मिला गाड़ियाँ नहीं बल्कि वहाँ पर नाव चल रहे थे, लकड़ी टायर ट्यूब के सारे लोग चल रहे थे। आज पानी का जलस्तर कम हुआ है तो अब कहा जा रहा है कि बहुत जल्दी जनजीवन सामान्य होने की जो है गुंजाइश बताई जा रही है। लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ये कहा है कि 3 वाटर ट्रीटमेंट प्लांट अभी भी खराब हैं, बंद पड़े हैं, जिसकी वजह से आने वाले समय में पीने के पानी की किल्लत दिल्ली में हो सकती है। वैसे तो दिल्ली में पानी इस समय बहुत ज़्यादा है, सड़कों पर भी पानी भरा हुआ है, दिल्ली की सड़कें डूबी हुई हैं। इस वक्त हम ऊंचे जगह पर खड़े हैं तो शायद आपको यहाँ पर नहीं लग रहा हो ऐसा, लेकिन कश्मीरी गेट, निगम बोध घाट, सिविल लाइन्स, ये सब वो इलाके हैं जहाँ पर सड़कें पूरी तरह से डूब चुकी हैं। अब साफ तौर से देखा जा रहा है कि अब निजात मिलने की संभावना जताई जा रही है। देवनाथ पांडे।